हेलो दोस्तों, आज आपके वीडियो के अंदर पूरा अलग तरीका से अलग सा पावर सप्लाई रिपेयर करके देखाऊंगा। मतलब चाइना पीसीबी का जो मार्केट का लोकल किट होता है, लोकल सीआरटी टीवी किट के अंदर पावर प्रॉब्लम है। बट दोस्तों, इसका मेन प्रॉब्लम है चॉपर प्रॉब्लम, तो चॉपर में लगाऊंगा, बट सेम नंबर चॉपर नहीं है। तो इसी तरह बहुत प्रॉब्लम आता है, इसी तरह बहुत कॉमन के अंदर देखा है कि सर चॉपर को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा पास जो चॉपर मैं यूज़ करके आपको वीडियो के अंदर देखाऊंगा, और वो चॉपर को मैं मॉडिफाई करके आपको लगा के देखूंगा और पावर को रेडी करके देखूंगा किस तरह चॉपर को मॉडिफाई किया जाता है। तो दोस्तों, उसका पहले चॉपर जो प्रॉब्लम है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि चॉपर का ये प्रॉब्लम है, तो चलिए ये वीडियो का अंदर आपको पूरा डिटेल्स विस्तार से देखूंगा और पूरा आपको डिटेल्स चॉपर मॉडिफाई करके भी देखूंगा। तो ये वीडियो का आप इसके मत कीजिए, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपका पास इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो, और आपका पास सेम नंबर का चॉपर नहीं है तो तब भी आप इसी तरह प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये वीडियो का आप स्किप करके, मतलब स्पीड करके और स्किप करके आप मत देखिए, पूरा शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सा चाइना पीसीबी है, ठीक है, ये पुराना पीसीबी है, आप देख सकते हो। तो ये जो लोकल मार्केट का जो किट, इसका अंदर 888 IC है और जो ESD इसका अंदर 1010 ESD है। तो इसका ये जो पीसीबी मेरा पास आया है तो रिपेयर करने के लिए, तो दोस्तों ये डेट सेट है, मतलब ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है आपको वीडियो के अंदर देखूंगा। तो पीसीबी को मैं बाहरी टेस्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों, पीसीबी को मैं बाहरी टेस्ट करूंगा, इसलिए बेस बोर्ड को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा और ESD कैप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सेट किया आपको दिखाने के लिए, तो किस तरह टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब डेट सेट आएगा तो फर्स्ट आपको मीटर को कॉन्टीन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूटी मोड पर रखने के बाद जो नॉर्मल तरीका है कि फर्स्ट देखिए ये बार्जर बाज रहा है, फर्स्ट ये डायोड को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो ESD सप्लाई डायोड, ये शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये शॉर्ट देखने को मिलेगा तो फर्स्ट टारगेट करना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और दोस्तों, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, सप्लाई रेजिस्टेंस, तो ये भी ओके है, मतलब ये आउटपुट सिस्टम शॉर्ट नहीं है। तो चलिए, इसका अलग अलग डायोड भी आपको इस तरह एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए, देखिए ये कुछ भी डायोड शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है, सभी 1000 का ऊपर रीडिंग दे रहा है, ठीक है, मतलब 400 का ऊपर होना चाहिए। तो ये मीटर कॉट घुमा के आप टेस्ट करेगा तब खुद ही देख सकते हो कि इसका ओम्स कितना आता है। देखिए 400 ओम्स का ऊपर है, ठीक है, ये देखिए 400 ओम्स का ऊपर, ये जो ऑल डायोड है सभी 400 का ऊपर ओम्स है। तो ये रीडिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब हो सकता है इसका आउटपुट सेक्शन ओके है। तो उसका बाद चलिए पावर सेक्शन को एक बार देखना पड़ेगा। पावर सेक्शन का अंदर जो मेन ये AC सप्लाई इनपुट पॉइंट के अंदर फ्यूज़ है, देखिए फ्यूज़ ओके है। तो दोस्तों, फ्यूज़ जब ओपन देखेगा तो ये चार डायोड को आपको टारगेट करना पड़ेगा, PTC को टारगेट करना पड़ेगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर को टारगेट करना पड़ेगा। तो जब ये फ्यूज़ ओके है तो इसका इनपुट भी ओके होना चाहिए जो डायोड का पास जाता है। और ये जो कॉइल देखिए, ये भी ओके है। बीच में दोस्तों एक NTC है, तो दोस्तों PTC नहीं है, NTC है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट्स है जो NTC होने के बाद सप्लाई जाता है। तो दोस्तों, ये ओल्ड टाइप PCB है, बट बहुत PCB का अंदर ये नहीं देखा जाता है, और जो ब्रांडेड PCB का अंदर इस तरह NTC देखा जाता है। अब देखिए काला वाला जो देखिए, ये NTC है, PTC जैसा, ठीक है, इस तरह PTC भी मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूज जैसा इस तरह काम करेगा, ठीक है। और उसका बाद चलिए सप्लाई देके देखना पड़ेगा। सप्लाई देने का पहले तो ये भी ट्रांजिस्टर ओके है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो फ्यूज़ भी ओपन हो जाता है। तो ये सब कुछ मीटर से ओके देखा जाता है। और उसका बाद जो टारगेट करना पड़ेगा वोल्टेज देख के, ठीक है। तो चलिए मैं वोल्टेज देख आपको इसी टाइम दिखाऊंगा मीटर को। चलिए मैं पावर का वोल्टेज टेस्ट करूंगा, 600 DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई मैं दे दिया। और ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव, यहाँ पर मीटर को रखना पड़ेगा। 110 वोल्ट लाइन पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, 26 वोल्ट लाइन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, रेगुलेटर सेक्शन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है,
साउंड सेक्शन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए इसी टाइम चेक करना पड़ेगा मेन फिल्टर कैपेसिटर का। मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव अलग होता है, कूल सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है, तो इसलिए आपको ये नेगेटिव पर वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 349 वोल्ट अभी मौजूद है। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई कहाँ पर जाता है, ये सप्लाई जाता है चॉपर का एक पिन पर, यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है। और दोस्तों चॉपर का एक इंटरनल कॉयल है, इंटरनल कॉयल से जो वोल्टेज जाता है पावर मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर। तो दोस्तों ये मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है। तो दोस्तों अभी देखिए ये कलेक्टर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाई इन हो रहा है और यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहा है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो इसका जो फ्यूज ये शॉर्ट हो जाता है, बट इसका बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है वो भी ओपन हो जाता है, सॉरी शॉर्ट नहीं फ्यूज ओपन हो जाता है। और ये जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन के बीच में रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, बट रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस होगा तो वो भी ओपन हो सकता है। और ये जो कॉयल है, तो कॉयल देखिए बीच में यहाँ से इधर तक ये पूरा ओपन हो गया, मतलब यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है अभी, तो इसका रीजन भी हो सकता है ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद ज़रूर ये पावर सेक्शन काम नहीं करेगा तो इसका अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अभी वोल्टेज स्टोर हो गया 200 का ऊपर, ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है, अब खुद ही देखिए। तो इस तरह वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा तो आपको इसको ये वोल्टेज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब कुछ भी एक आपको लैम्प लेना पड़ेगा, मेरा पास 100 वाट एक बल्ब है, तो ये बल्ब लेके ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को मैं डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद ये पावर सेक्शन का आपको काम करना पड़ता है। तो दोस्तों फर्स्ट देखूंगा कि ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन, इसका साथ ये जो नेगेटिव पिन शॉर्ट तो नहीं है, तो ये अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। चलिए एक बार मीटर को कॉन्टिन्यू मोड पर रखा हूँ और ये सप्लाई पिन का साथ ये नेगेटिव, तो दोस्तों देखिए शॉर्टिंग नहीं है। तो मतलब ये जो सप्लाई पिन का साथ नेगेटिव का शॉर्टिंग नहीं है, तो ये कॉयल ओपन है, मतलब चॉपर खराब है। तो चलिए ये चॉपर को चेंज करूँगा, ओपन करके देखूँगा कि इसका अंदर क्या फॉल्ट है। तो चॉपर को अच्छा करके आप एक बार देखिए, येलो टाइप लिखा है ये जो चॉपर, तो टाइम में वेस्टेज नहीं करूँगा, ये चॉपर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा वेट कीजिए। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आपका सामने ही मैं चॉपर को ओपन करूँगा। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बट ये पोजीशन में थोड़ा सा स्पीड करके थोड़ा सा कट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये चॉपर ओपन करने के लिए मैं एक डिस्पेंसर सिरिंज यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो सिरिंज है, मतलब जो नीडिल है, ये एक डिस्पेंसर सिरिंज का नीडिल है, तो ये नीडिल से मैं ESC को भी ओपन करके बहुत वीडियो के अंदर देखा है। और दोस्तों ये नीडिल से चॉपर को भी ओपन किया जाता है। तो दोस्तों ये चॉपर तो मैं ओपन किया, ठीक है, तो चलिए आप भी वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। चॉपर को अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा, कुछ भी जो कनेक्शन हो वायर होता है तो ये टूटा हुआ नहीं, तो इसलिए ये जो एक पिन है, तो ये पिन को एक बार ओपन करके इसका क्वांटिटी भी अच्छा करके एक बार चेक करके देखूंगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो वायर है, ये जो जॉइंट पोजिशन है, यह से टूट जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये एक वायर को मैं एक पिन को ओपन किया जिस पिन पर सप्लाई इन होता है, तो दोस्तों टूट गया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको ये वॉश करना पड़ेगा, मतलब छोड़ा और चाकू लेके थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, घिसने के बाद इसका जो जो भर्नेस होता है ये आउट हो जाएगा, और उसके बाद एक बार कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एक बार चेक करके देख लेता हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि इसका इनपुट और आउटपुट का अंदर देखिए कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है, बट चलिए अच्छा करके और देखना पड़ेगा। बट दोस्तों कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो मतलब इसका जो इनपुट साइड से इसका आउटपुट पॉइंट पर पूरा टूट गया। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों अभी देखिए ये जो कॉयल है, ये कॉयल के ऊपर इसका नंबर लिखा है, जो चॉपर कॉयल है, ठीक है, आपको नंबर देख के सेम टू सेम चॉपर कॉयल लगाना पड़ेगा। सेम टू सेम होगा तो इसका पिन कनेक्शन सभी सेम टू सेम होगा, ठीक है, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आसानी से लग जाता है। बट दोस्तों मेरा पास एक पड़ा हुआ चॉपर है, पुराना चॉपर है, इसका नंबर थोड़ा अलग है, ये सेम नंबर नहीं है। बट दोस्तों ये भी चाइना PCB का नंबर है, ठीक है, इसका YBC40 लिखा है, उसके बाद 39 को अलग हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर BC40 लिखा है, उसके बाद ये नंबर थोड़ा अलग हो गया। बट दोस्तों ये जो चॉपर, ये भी थोड़ा सा ये जला हुआ लग रहा है, तो तब भी मन में लग रहा है कि ये चॉपर ओके है,
तो इसका जो ये पीसीबी का, तो दोस्तों ये पीसीबी का ये चॉपर है। इसका डिफरेंट डिफरेंस आप देखिए कि ये जो साइट है, जो प्राइमरी साइट, देखिए प्राइमरी साइट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेग है, और इसका अंदर भी 1 2 3 4 ये 5 लेग है, एक लेग नहीं है। तो इसका आप इस तरह मिला के देखेगा तो देखिए, तो दोस्तों इसका साइज सेम है, ठीक है, इसका साइज सेम है। तो ई पिन को इस तरह मिला के आप देखेगा तो कि देखिए आप अच्छा करके कि ये जो पिन देखिए सब सेम टू सेम ही पिन है, और ये चॉपर का अंदर एक पिन नहीं है, मतलब ये पोजीशन पर एक पिन गैप है, ठीक है, यहाँ पर एक पिन गैप है, ठीक है। तो ये गैप को कैसे एडजस्ट किया जाता है अब देखिए अच्छा करके। ये जो गैप पिन है, जो ओरिजिनल चॉपर का यहाँ पर एक कनेक्शन है, यहाँ पर तो कनेक्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका अंदर जो 1 2 3 4 कनेक्शन दिखा जाता है, और इसका अंदर भी एक कनेक्शन है। तो ये सप्लाई से जो मेन सप्लाई आउटपुट होता है जो ट्रांजिस्टर का पास जाता है, और इसका 3 नंबर, मतलब ये जो ओरिजिनल का अंदर आपको बताया कि ये जो 3 नंबर, 3 नंबर पिन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सिंपल तरीका, तो इसका अंदर लास्ट जो पिन है, देखिए इसका अंदर लास्ट पिन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर लास्ट पिन नहीं है, बट ये पिन लगाने का एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, और ये जो 3 नंबर पॉइंट इसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो करने के बाद इसका कनेक्शन रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं ये वायर को मैं ओपन करूँगा, ठीक है। इसका अंदर जो वायर है, जिस तरह इसको मैं ओपन करके आपको दिखाया, इसका अंदर जो वायर है, ये वायर को ओपन करूँगा और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पिन लगाऊँगा। तो दोस्तों ये पिन ओपन करके मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। ये जो वायर आप देखिए, इसका अंदर जॉइंट है वायर का, तो दोस्तों बहुत दिन से पड़ा हुआ ये है, तो आपको ये वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पोजीशन मैं थोड़ा वीडियो की स्पीड कर दिया, और आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अलग अलग तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को ओपन करूँगा आपका सामने ही। ओपन करने के बाद कैसे ये कनेक्शन किया जाता है, ये भी आपको प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर देखाऊँगा। आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए, आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आप ये मिस करेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताए सर आप ये पोजिशन अच्छा करके नहीं दिखाया। तो दोस्तों इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरा डिटेल्स आपको अच्छा करके बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, बट ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये वायर को मैं तीनों लेग को जो कनेक्शन पॉइंट है ये ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा देखिए, ये जो तीनों पॉइंट है, देखिए 1 2 3 पॉइंट है, आप अच्छा करके देखिए ये तीनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो मिडिल पॉइंट है, इसको आपको ये लास्ट जो पिन कनेक्शन है यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक साइड मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक साइड कर दिया, और उसका पहले जो एक पॉइंट है उसको भी आपको इसी तरह ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड था मैं वहाँ से ये इसको राइट साइड कर दिया, ठीक है। राइट साइड करके आपको दिखाता हूँ, देखिए अच्छा करके देखिए, लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड एक पॉइंट मैं चेंज कर दिया, ठीक है। और बाद में इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर तो पिन नहीं है, ठीक है। तो दो पिन को मैं ज्वाइन अभी किया, और जो लास्ट पिन वो कौन पोजीशन पर ज्वाइन कराना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो न्यू टेक्नीशियन होता है उसका मन में बहुत डाउट चल रहा है कि इस तरह कनेक्शन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरह मैं आपको कनेक्शन करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक पिन मैं ये चॉपर से बाहर कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो चॉपर है, यह एक पिन को बाहर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आयरन को हीट करके, ठीक है, ये पिन को आप बाहर कर सकते हो, नहीं तो प्लास लेके भी ये पिन को आप खींच के बाहर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं हीट करके कोशिश कर रहा हूँ कि ये पिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये पिन को थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ, हीट करके मैं बाहर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये पिन थोड़ा ढीला है, बट दोस्तों ये अभी बाहर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा और हीट देना पड़ेगा। तो दोस्तों तब भी ये बाहर नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा और ट्राई करके देखता हूँ
कि कभी कभी क्या होता है कि अधिक हीट देने का वजह इसका जो प्लास्टिक का अंदर नहीं, तो दोस्तों ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है। ये जो एक्चुअली जो बॉबिन होता है चॉपर ट्रांसफार्मर का, ये बाहर आ जाता है थोड़ा सा हीट करने के बाद ये पिन, ठीक है। ये छोटा छोटा पिन है, पर दोस्तों अभी बाहर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों उसका बाद नहीं होगा तो मैं प्लास लेके इसको खींच के मैं बाहर करूँगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये बाहर नहीं आ रहा है, मेरा पास छोटा सा प्लास है, ये देखिए प्लास लेके ये बाहर आ गया। और उसका बाद ये जो ओपन पिन है यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पिन को थोड़ा सा आपको हीट करके भी आप लगा सकते हो और इस तरह भी आप लगा सकते हो। मैं दोनों तरह ही कोशिश करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो है, लाइव वीडियो है, आपको डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसका काम बहुत कुछ काम है, बट दोस्तों कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, मतलब काम ज़्यादा नहीं है, बट दोस्तों तब भी आपको इस तरह करने के लिए टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसका बाद ये जो वायर है, ये जो लेफ्ट साइड था, मैं ओनली लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड कर दिया, ठीक है। तो पूरा वायर को एक एक करके मैं राइट साइड कर दिया, तो करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिकली लगा के देखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों ये चॉपर रेडी हो गया और देखना पड़ेगा कि इसका सेकेंडरी साइड, तो दोस्तों इसका सेकेंडरी साइड देखिए सेम टू सेम पिन है। बट दोस्तों ये जो ओरिजिनल वाला देखिए, ये ओरिजिनल वाला का ये पॉइंट ओपन है, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है और ये सेम इधर साइड ये पॉइंट ओपन है। बट दोस्तों ये तीन नंबर पॉइंट देखिए, ये तीन नंबर पिन का साथ, तो दोस्तों क्या कनेक्शन है, तो दोस्तों ये तीन नंबर पिन का साथ एक दो तीन ये एक वायर कनेक्शन है। बट दोस्तों ये जो तीन नंबर पिन कुछ भी नहीं है, तो पीसीबी पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए एक दो तीन, ये तीन नंबर पिन दोस्तों ओपन है। अब पीसीबी पर देखिए, मैं चलिए आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पीसीबी का एक दो तीन, ये तीन नंबर पिन पूरा ओपन है। तो ये तीन नंबर पिन तो इसका कनेक्शन था, बट दोस्तों इसका तीन नंबर पिन कुछ भी नहीं है, तो ये देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पिन पहले से ही ओपन है। तो चलिए आपका सामने ये चॉपर लगाने के बाद एक बार देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये पिन भी ओपन है और ये पिन भी ओपन है, तो ये सोल्डरिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है। सही, यहाँ पर सप्लाई इन होगा और यहाँ से सप्लाई आउटपुट होगा, जो ये सप्लाई ट्रांजिस्टर पर आएगा, तो ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर पर सप्लाई होगा तो ट्रांजिस्टर पर आएगा, और एसटीआर पर सप्लाई होगा तो एसटीआर पर आएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं इसका कनेक्शन तो मैं कर दिया और अभी इसी टाइम आपको क्वांटिटी एक बार दिखाता हूँ। आप देखिए मीटर का अंदर आप क्वांटिटी एक बार देखिए कि फर्स्ट आपको जो देखा है कि ये जो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर से जो सप्लाई इन होता है ये चॉपर पर, और चॉपर से इसका अंदर देखिए इंटरनल जो कॉइल है, अभी इसका कनेक्शन ओके है और ये ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो दोस्तों कभी कभी ये बीच लाइन का अंदर रेजिस्टेंस कॉइल भी देखा जाता है बहुत पीसीबी का अंदर, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। जब मान लो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आपको ये बीच लाइन का अंदर जो कुछ मिलेगा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों पावर प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है, बट ये वीडियो के अंदर जो सिम्टम आपको दिखाया ये दोस्तों ये हर टाइम नहीं होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ।
तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया और फर्स्ट तो दोस्तों ESC तो लग रहा है बन रहा है। मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया और इसका 110 वोल्ट जो ESC सप्लाई होता है, ESC सप्लाई पर एक बार वोल्टेज देखिए दोस्तों, ESC सप्लाई अभी बन रहा है 112 वोल्ट ये बन रहा है, और ये जो 267 वोल्ट देखिए ये भी बन रहा है, और देखिए रेगुलेटर सप्लाई 11 वोल्ट ये भी बन रहा है, और 15 वोल्ट ये साउंड सप्लाई ये भी बन रहा है। तो आपका एक बार इसी टाइम देखूंगा, मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया मेन फिल्टर कैपेसिटर पर, अभी देखिए कितना वोल्ट, 333 वोल्ट, और ये सप्लाई जो चॉपर का ये पिन पर आता है, ठीक है देखिए। और ये दोस्तों पावर सेक्शन अभी कम कर रहा है, मतलब इसका रेगुलेशन ये ऑन है। तो इसी टाइम यहाँ पर टच करने के बाद देखिए बहुत ही हाई वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये ऑसिलेशन कंडीशन पर है, ठीक है देखिए मीटर पर वोल्टेज बहुत हाई मिल रहा है। तो यहाँ पर जब पावर ओके हो जाएगा, इसका आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा, तो लोकल मीटर से आप यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेगा, तब का मीटर तुरंत ख़राब हो सकता है, और दोस्तों ये मीटर ख़राब नहीं होगा। तो आपको फिर भी दिखाता हूँ, देखिए मीटर अभी ओके है, इसका ESC सप्लाई देखिए अभी ओके है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ये चॉपर के बारे में आपको जो न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर किया, एक्चुअली एक दोस्त ने कमेंट किया है कि सर सेम चॉपर नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये चाइना PCB का ही चॉपर है, जो चॉपर में लगा है वो भी चाइना PCB का चॉपर है, बट पिन कनेक्शन थोड़ा सा इधर उधर इस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। तब भी आप चॉपर को मॉडिफाई करके किस तरह यूज़ कर किया जाता है तो आपको वीडियो के अंदर देखा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वीडियो फुल वॉच करने के लिए।